अभी जो अपने पास मोबाइल है वन प्लस 70 मॉडल का है, इसके अंदर जो इशू है कभी क्रैश डम मोड बोल के बताता, कभी बताता जस्ट लोगो आके स्टक अप हो जाता। तो इसके अंदर ज़्यादा इशू आता है ये मॉडल्स के अंदर आपको, जो रैम के रिलेटेड या रैम डैमेज होने से या रैम ड्राइव होने से, जैसे उसको निकाल के रिबॉल करने से ये वाला सेट आपका ओके हो जाते हैं। तो देखेंगे इसको निकालेंगे, जो इसका सीपीयू जो रैम है रैम को निकालेंगे, निकाल के इसको रिबॉल करके फिक्स करेंगे। जो डीसी के अंदर स्विचिंग का जो ओनली लोगों को शो कर रहा है, ये अभी आगे नहीं बढ़ रहा, जैसा रिस्टार्ट मार रहा है फोन, वन प्लस आया जस्ट लोडिंग कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट वन प्लस आया फिर ये रिस्टार्ट हो जाता है। या कुछ देर के बाद बताता है कभी कभी क्रैश डम मोड बोल करके जो ऊपर आता है, रेगुलर इशू है ये। अभी इसका मदरबोर्ड को आउट कर लेंगे, जहाँ सीपीयू है उस तरफ का ऊपर का जो कवर इसका प्रॉपरली रिमूव कर लेंगे। जो ऊपर का पॉट है इसका कवर जो इट सिंह आता है, इसको ये सारा चीज़ हटा लेंगे और हल्का सा गैप के लिए हल्का सा टीन काट लेंगे, जो अपना जितना रिक्वायरमेंट है सीपीयू के तरफ बस उतना ही तरफ काम करेंगे। सारा साइड कर देंगे, जो सारा हीट सिंक पॉट है अभी। तो हल्का सा स्पेस तो बना ले रहे हैं अपन, जो अपना स्क्रैपर को डालने के लिए सारा जो साइड का ग्लू साफ करने के लिए जितना जरूरत है उतना ही पॉट, जस्ट अपना स्पेस बने तक प्रॉपरली ये पॉट को काट लेंगे। अभी हो गया अपना टीन काट लिया अपन, जितना जरूरत है उतना तक तो काट दिया, और जैसा साइड वाला जो ग्लू होता है इसके ऊपर साइड वाला जो ग्लू होता है, साइड वाला ग्लू को हल्का से काट लेंगे चारों तरफ की ग्लू। चारों तरफ का ग्लू प्रॉपरली काट लेना और कोई भी कंपोनेंट को डिस्टरबेंस नहीं करना।
इसके अंदर होता है आपको हार्ड वाला ग्लू रहता है, जो ओप्पो वीवो मॉडल्स में जैसा रहता है वही वाला हार्ड वाला ग्लू रहता है इस मॉडल्स के अंदर। अभी हल्का सा साइड से देखेंगे जो गैप है, हम जो स्क्रैपर डाल रहे हैं हल्का सा गैप बना लेता हूँ यहाँ से मैं, ताकि मेरा स्क्रैपर प्रॉपर प्लेस के अंदर घुसना, ताकि कोई पार्ट डैमेज नहीं होना। जितना ज़रूरत है अपने को उतना ही हल्का सा एक दोनों का बीच में जो है प्रॉपरली जो ग्रीन लेयर दिख रहा है उसी का नीचे जो है अपना सीपीयू का पार्ट है। जैसा ग्रीन लेयर कंप्लीट हो गया मतलब अपना रैम प्रॉपरली वहाँ तक है, हल्का सा वहाँ नीचे साइड में हल्का सा गैप कर देना, स्क्रैपर उसके अंदर जा सके, बस इतना ही। हल्का सा ग्लू को लाइट ग्लू को हटा दिया इसमें जो हेवी ग्लू था इस मोल्ड के अंदर। जो गैप बनाए हैं उसी गैप के अंदर प्रॉपरली ब्लेड अपना स्ट्रकअप करके देखेंगे, प्रॉपरली स्ट्रकअप हो रहा है ओके, इसी के अंदर से लेके प्रॉपरली रैम को आउट कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं जो साइड लू काटने के लिए नॉर्मली 240 का हीट यूज़ करा, जो ब्लोयर में यूज़ कर रहा हूँ वो 857 DW+ है। तो जो आईसी लिफ्टिंग के लिए मैं 370 का हीट यूज़ कर रहा हूँ, और जैसा प्रॉपरली एसी के ऊपर प्रॉपरली एक बार फ्लो करने के बाद हल्का सा मेल्टिंग पॉइंट आते कि जस्ट इन कर देना चाहिए। ज़्यादा टाइम आप वेट करके रिपोर्ट निकालेंगे तो आपका सीपीयू भी क्या हो जाता, लीकेज हो जाता, फिर सीपीयू भी निकाल के रिबॉल करना पड़ता आपको। टाइमिंग प्रॉपर लेना और ब्लोयर को घुमाते रहना प्रॉपरली, घुमाते घुमाते हल्का सा, जैसा इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया जैसा आपको लग गया प्रॉपरली आपका ब्लेड की मूवमेंट जो है अच्छा जा रहा है स्मूथली जा रहा है तो इन कर देना इसके अंदर प्रॉपरली इजीली। अभी जो ब्लेड मेरा अंदर जा रहा है बहुत इजीली जा रहा है, तो जहाँ जाए मैं मार रहा हूँ ब्लेयर को साथ में ले रहा हूँ। तो हल्का से अभी मेरा रैम का लिफ्टिंग का टाइम हो गया, अभी बहुत इजीली अपना रैम लिफ्ट हो जाता। ये हो गया इन हो गया प्रॉपरली, अपना रैम आउट हो गया। जैसा रैम आउट हो गया तो उसके बाद प्रॉपरली इसी में स्विचिंग चेक कर लेना, जो सीपीयू का स्विचिंग चेक कर लेना और सिस्टम को कनेक्ट करके चेक कर लेना, आपको पोर्ट बन जाता है विदाउट रैम ये मॉडल्स के अंदर आपको पोर्ट बन जाता है। अगर पोर्ट बन गया मतलब समझ जाना तुम्हारा सीपीयू की कंडीशन गुड है, जस्ट आपको रैम रिवॉल्व करके लगा देना है। स्विचिंग के अंदर देखे थे आपको 140-150 तक जाके हल्का सा तुम्हारे को 20 तक जाके फ्लक्चुएशन के अंदर रहता है, ये मॉडल के अंदर आपको लाइट फ्लक्चुएशन के अंदर रहता है, स्टेबल नहीं रहता इसका। नॉर्मल वाला लेड को इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर देने के लिए। प्रॉपर लेड सभी के अंदर लेके मिक्स कर देना,
सभी बॉल्स को टचअप करना, और हेरन की इस टाइम पे हेरन की हीट भी थोड़ा कम कर लेना अपन नॉर्मली। हेरन का हीट ज़्यादा रहने से भी सीपीयू नीचे का लीक हो सकता है। अभी जो ब्लैक ग्लू है इसके ऊपर ये वाला ग्लू को एक बार डिसोल्डर करके उसके बाद आपको प्रॉपरली इसका जो है सारा ग्लू हटा देंगे। हल्का सा इसको पेस्ट करके जहाँ अपना जो लेड है वहाँ हल्का सा डिसोल्डर कर लेंगे तो प्रॉपरली ये आपको रिमूव हो जाता, और ज़्यादा फोर्स नहीं करना, बहुत हल्का हाथों से करना और ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जस्ट एक बार ऐसा खींच दिए। ज़्यादा टाइम लेके करे तो नीचे का जो सीपीयू हीट होके नीचे वाला पार्ट मेल्टिंग हो जाता, फिर लीकेज इस कंडीशन के अंदर भी आपको लीकेज हो जाता। अब तो रैम तो अच्छा उतार लेते, उतार लेने के बाद ये कंडीशन के अंदर आप सीपीयू लीक कर देते हैं, तो अगर करना आयरन का हीट भी थोड़ा कम रख के चलाना, होना है तो 138 पीपीडी भी यूज़ कर लो, ऊपर की तरफ आओ पीपीडी लगा के भी कर सकते हैं, या नहीं तो नॉर्मल वाला लेड आता हो वाला लेड यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको नॉर्मली 240 के अंदर इसका जो ब्लैक ग्लो है ब्लैक ग्लो को हल्का से हटा देंगे। बहुत इजीली रिमूव हो जाता है ये। प्रॉपर ट्रिक पता है तो आप 1 मिनट के अंदर आप ये क्लीनिंग प्रॉपरली कर दे सकते हैं। अभी हो गया अपना एक 70% क्लीनिंग तो हो गया, साइड्स में है, साइड्स को हटा देंगे, साइड्स को हटा देंगे, एक बार डिसोल्डर कर दिया तो ये पूरा क्लीनिंग हो जाता। ब्लेड की मूवमेंट प्रॉपर स्पीड होना चाहिए ताकि काम जैसा ये जल्दी स्पीड कर देना, ताकि जो है नीचे का मेल्टिंग नहीं होने देना। ओके अपना ये क्लीनिंग तो हो गया, अभी तो इसको एक राउंड डिसोल्डर मार देखेंगे, जो भी हल्का फुल्का ग्लो है वो भी निकल जाता। अभी डिसोल्डर कर दिए प्रॉपरली, अपना क्लीनिंग हो गया, साफ कर लेंगे हल्का से क्लॉथ से, नॉर्मली ब्रश से क्लॉथ से साफ कर ले सकते हैं आप। ऐसे साफ कर दिया, अभी अपना सीपीयू ओके हो गया। इसके बाद रैम को ले लेंगे, रैम को भी क्लीन कर लेंगे। नॉर्मली ब्लेड से इसको प्रॉपरली क्लीन अप कर देंगे, ऊपर का जो अपना जो ब्लैक कलर पेस्ट है प्लेस्ट को पूरा हटा देंगे। तो सर फ्रेंड्स कितना इजीली हार्ड वाला ग्लू देखो कितना इजीली अपने को रिमूव हो रहा है। ऐसा प्रॉपर हैंड स्किल होना है आपको, बहुत इजीली काम करना है तो आप चेंज कर सकते हैं कॉन्फिक्स हैदराबाद। हमारा जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है नवंबर 27 को, तो इसके अंदर आपको 20 डेज का कोर्स रहता है। 20 डेज के अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा चीज सिखाते हैं, और जो अपना रैम जो है क्लीनिंग कंप्लीट हो गया। अभी अपना रैम की क्लीनिंग कंप्लीट हो गया, इस साइड में एड्रेस पे जो है उसको क्लीन करेंगे। एक बार डिसोल्डर करके
जो भी हल्का फुल्का ग्लो है और लेड जो हाइड हो गया बॉल्स उसको हल्का सा लेड लगाए तो हल्का सा लेड लगे तो वो बॉल्स ऊपर आ जाती है, या नहीं तो आप जो स्टील वाला ब्रश लगा के भी आप साफ कर सकते हो, उससे भी आ जाते हैं ऊपर आपको। नॉर्मल मैं सब लेड से कर रहा हूँ, या खाली लेड ऐसे टचअप कर देने से बॉल्स ऊपर आ जाते हैं। और आपके पास जो ब्रश है तो ब्रश के साथ भी आप कर ले सकते हैं। अभी हो गया मेरा काम, अभी इसको एक बार डिसऑर्डर कर दिए तो प्रॉपरली सारा बॉल्स प्रॉपरली क्लियरली आ जाते हैं। सारा बॉल्स फुल आ गया अच्छा से। पूरा क्लीनिंग कर लेंगे और इसको रिबॉल करके जो बोर्ड के अंदर फिक्स कर लेंगे। इसको नॉर्मली रिवॉल्व कर लेंगे, रिवॉल्व करके फिक्स कर देंगे तो अपना काम रेडी हो जाता है।
अभी अपना रैम रिबॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक्सटेंशन से रैम को निकाल लेंगे और बोर्ड के अंदर फिक्स कर देंगे इसको। ओके अभी लगा रहा देखो। ओके सर हटा दिया। ओके नोट ऑल्सो ओके 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 सर।
फ्रंट जैसा आप देख सकते हैं ये हैंड सडल भी ऑन हो गया है, और वो ये जो है हमारे एक कस्टमर ही है साथ में लेके आए सेट, तो इनसे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या था जैसा आप पूरा वीडियो देखे होंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कार्तिक है। कहाँ से है? हैदराबाद से। क्या प्रॉब्लम था फोन में? क्रैश डम मोड आया वन प्लस सेवेंटी। अच्छा, कहीं और भी लेके गए थे बनाने के लिए? कहीं बताए होंगे? सर्विस सेंटर लेके गया, वो बोल रहे थे कि मदरबोर्ड चेंज कर रहे हैं। अच्छा, मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। और नॉर्मल कहीं दुकान में भी बताया नहीं छोटे मोटे? नहीं नहीं गया। इधर कैसे आए? यूट्यूब वीडियो से देख के आया। अच्छा, काम अच्छा है। यूट्यूब से फ़ोन नंबर निकालें, कॉल करें और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो लाइट रिपेयर करके दिए, सामने बिठा के आपको? हाँ। अभी बोर्ड तो नहीं बदल के दिए? क्योंकि सर्विस सेंटर में तो आपको मदरबोर्ड बदलने बोले थे। रिपेयर हुआ और अच्छा सर्विस है। कैसा लगा अभी सामने बैठा के बना के दिया आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ये तो हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, आपको मालूम है, दुकान तो नहीं है, तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देख रहे हैं, तो वो लोग यहाँ आके सीखना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि टीचर जो अभी सिखाए आपको मोबाइल बना के दिए, कैसा सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? बहुत एक्सपीरियंस टीचर है और बहुत सिखा सकते हैं, बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, आके सीख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखें, ये कस्टमर ही हमारे कोई स्टूडेंट भी नहीं है या कोई ऐसा नहीं, ये यूट्यूब से निकाल के आए, फोन नंबर निकाल के यहाँ पे आए, अभी लाइव इनको रिपेयर करके दिया। ऑन हो गया आपका? हाँ, थोड़ा सा पूरा फुल सेट कर दो ना एक बार। हाँ। थोड़ा इनके हाथ से ही करा दो। वेलकम नोट तक चले जाओ। ऑफलाइन सेट कर रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, लाइव कस्टमर को सामने बिठाकर हमने लाइव रिपेयर करके दिया है। ऐसा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे बड़े बड़े सेट बनाकर लाइव दिखाएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा हैंड स्किल होना चाहिए आपको। अगर आप इस तरह का अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ़ोन फिक्स हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हैं। हैदराबाद में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हर महीना 27 तारीख से बैच होता है। ये जो हैंड स्किल है फ्रेंड्स, ऐसे बड़े बड़े सेट पर काम करने के लिए सालों का तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तभी जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। इसी तरह के और भी काफ़ी सारे नॉलेजेबल वीडियोस लेकर मैं आता रहूँगा फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। एक वीडियो के लिए फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी सारी मेहनत के बाद में एक वीडियो बनता है जो आप तक पहुँचता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। पासवर्ड कुछ पता है? देखो ऑन हो गया, ठीक है, यहाँ रख दो।